हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट की सीरीज, जिसमें आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा हर एक टॉपिक पर, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे बाल मनोविज्ञान का हो। इसमें आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मूल्यांकन करिए अपने तैयारी का। अब देखिए आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना सेट पर्यावरण अध्ययन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो फ्रेंड्स, कोशिश करिए इसके आंसर देने की। तो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे पावर स्टेशंस हैं या जो भी फैक्ट्रीज हैं या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से कुछ ऐसी जहरीली गैसें निकल रही हैं जो हमारे पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाती जा रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन की समस्या उत्पन्न हो गई। इसमें से सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, आइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, संसद के दो अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो फ्रेंड, कोशिश करिए इसका भी आंसर देने की। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा 6 माह। संसद के दो सेशन के बीच जो गैप होना चाहिए वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग में सहायक विटामिन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? तो फ्रेंड, रक्त स्कंदन या खून का थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक होता है वो होता है विटामिन के। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 जून, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा 16 सितंबर, चौथा है 22 मार्च। तो फ्रेंड, कोशिश करिए इसका भी आंसर देने की। तो फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे इसका उत्तर होगा 5 जून, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया और यह हमारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पहली बार मनाया गया और 16 सितंबर को होता है हमारा विश्व ओजोन दिवस और 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। तो आपका सही ऑप्शन है 26 नवंबर। पांचवा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले प्रथम राज्य कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान गुजरात। तो फ्रेंड, कोशिश करिए। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा विकल्प पहला, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 1959 में राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसके बाद में जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया वो था मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, बद्रीनाथ। तो फ्रेंड, कोशिश करिए। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। हरिद्वार और प्रयाग ये उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयाग में संगम पर और नासिक ये महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और इसके अलावा बद्रीनाथ की जगह पर उज्जैन होना चाहिए था जो कि मध्य प्रदेश में है और सिप्पन नदी के किनारे ये कुंभ मेला लगता है। तो सही उत्तर आपका हो गया बद्रीनाथ। ये 4 जगहों पर होता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा 7वां प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? आपके ऑप्शंस हैं 1983, 1985, 1989 या 1990।
तो फ्रेंड कोशिश करिए। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा 1989। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। बाकी हमारी सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि हमारी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। 9वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड लिटन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड मेयो। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारतीयों का सबसे बड़ा हितैषी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको ये पता लगाना है जो पर्व है या त्यौहार है उसका राज्य के साथ जोड़ा दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा इसमें सही तरीके से मैच कर रहा है या नहीं। तो पहला है बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, या इनमें से सभी सुमेलित हैं। तो फ्रेंड कोशिश करिए। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि बिहू असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में मनाया जाता है। फ्रेंड 11वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस रिलीज होती है या कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फ्रेंड अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका पहला विकल्प है देहरादून, दूसरा है भोपाल, तीसरा है लखनऊ, चौथा है दिल्ली। तो आपका सही उत्तर है देहरादून। 13वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगीत के गाने का निर्धारित समय क्या है? आपके ऑप्शन हैं 52 सेकंड, दूसरा है 20 सेकंड, तीसरा है 60 सेकंड, चौथा है 65 सेकंड। तो फ्रेंड कोशिश करिए। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है 65 सेकंड। तो जो राष्ट्रगान होता है उसके गाने का समय होता है 52 सेकंड, या उसको जब स्टार्ट में या पहली और अंतिम पंक्ति गाते हैं तो 20 सेकंड होता है, और जो राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम उसको गाने का समय है 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड। हमारा 14वां प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके विकल्प हैं ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, भगवद गीता या मुंडक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। हमारा 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपके विकल्प हैं 22वें संविधान संशोधन द्वारा, या 45वें, या 51वें, या 43वें। फ्रेंड कोशिश करिए। तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। तो फ्रेंड्स हमारा 16वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, देहरादून, मुंबई या नई दिल्ली। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पर्यावरण अनुकूल ईंधन है कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या डीजल? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, चौथा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल।
तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। 19वां प्रश्न है, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? आपके ऑप्शंस हैं कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। तो इसका सही उत्तर होगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता हैं? पहला विकल्प है एम एस स्वामीनाथन, दूसरा है वाई सुदर्शन, तीसरा है वर्गीज कुरियन, चौथा है नॉर्मन ई बोरलॉग। इसका सही उत्तर होगा एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सबसे पहले नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि मैक्सिको के थे, इन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया। अगर हम तीसरे ऑप्शन वर्गीज कुरियन की बात करें तो इन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर दी। इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, जो कि दुग्ध उत्पादन को लेकर था, जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके बाद 21वां प्रश्न है, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, या जो प्रोटीन समृद्ध हों, या पर्यावरण के अनुकूल हों, या आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जो इको फ्रेंडली हों। हमारा 22वां प्रश्न है, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका या यूरोप। तो फ्रेंड ट्राई करिए, इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर थर्ड। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति दलहन उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। तो फ्रेंड पता लगाइए कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पीली क्रांति। पीली क्रांति दलहन से नहीं बल्कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा 24वां प्रश्न है, गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं मंदाकिनी, अलकनंदा, हुगली या भागीरथी। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पर्व नहीं है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती या बाल दिवस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ट्राई करिए इसको। तो फ्रेंड का सही उत्तर होगा बाल दिवस, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये हमारे तीन राष्ट्रीय पर्व हैं, जबकि 14 नवंबर यानी बाल दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। हमारा 26वां प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन स्थल था? आपके ऑप्शंस हैं बैंकॉक, टोक्यो, सियोल या नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली, क्योंकि 4 मार्च 1951 को प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। इसके बारे में 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं एजोला, नील हरी सहवाल, एल्फाल्फा या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, एजोला, नील हरी सहवाल और एल्फाल्फा सारे बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया था, लेकिन ये भारत में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
29वां प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम। स्टेप 5 लोकोलस, तीसरा है लैक्टोबैसिलस, चौथा है खमीर या यीस्ट। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। 30वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? पहला ऑप्शन है आयन मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है समताप मंडल, चौथा है वायुमंडल। तो फ्रेंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर। फ्रेंड्स एक और प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है ओजोन लेयर को लेकर के, कि ओजोन लेयर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूपी टेट पेपर फर्स्ट का पर्यावरणीय अध्ययन या इन्वायरमेंटल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसी तरह के बेस्ट मटेरियल वाले प्रैक्टिस सेट हम आपको देते रहें, तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमें भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ।